एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट्स। आप लोग हेल्थ के एरिया में, डाइट न्यूट्रिशन के एरिया में इतना अच्छा कर रहे हो, एंड यू नो फॉर अ रीजन हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आपने विशेष तौर पे एक अचीवमेंट लेवल अचीव किया है, न सिर्फ बिजनेस सक्सेस में बल्कि इनकम में भी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। एंड थैंक यू जैसे थैंक यू आप थैंक यू प्रमोद सो मच, शीतल, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, जैसे आप प्रमोद शीतल हैं, हम शीनू संजीव यस सर यस हैं। सो कपल इंटरेक्ट कर रहे हैं, कपल से नाइस टू सी यू हियर। सो सर, बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू फर्स्ट नो ए लिटिल बिट अबाउट यू बोथ। आपका कोई इंट्रोडक्शन जो हमारे ऑडियंस जान पाए कि आप कौन हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या काम कर रहे हैं। यस सर। मेरा नाम शीतल प्रमोद बड़िगे। लास्ट 3 इयर्स से मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन में काम कर रही हूँ। तो मेरा हेल्थ बैकग्राउंड, मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा हेल्थ का है। इनका न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ है, मतलब ये फादर इन लॉ भी इसी इसी में से है। मतलब ये अक्यूप्रेशर में मास्टर है, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी फिजियोथेरेपिस्ट है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था इसमें, और इसी की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। एंड प्रमोद, पूरी व्हाट अबाउट फैमिली, यू। हाँ पूरी जैसे फैमिली जैसे बैकग्राउंड इसी में। इसने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड ही यही है, तो मेरे लिए तो अलग था पूरा। मतलब पापा करते थे, और मैंने शुरू किया था इसको कुछ अलग एंगल से। मैंने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कंप्लीट किया था 2011 में, और वहाँ से ही मैंने इसमें मतलब इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। उसके पहले मैं थोड़ा आयुर्वेदा रिलेटेड कुछ इसमें भी मतलब बहुत सारी चीजें की मैंने। एक्यूप्रेशर का भी करके देखा, आयुर्वेदा का भी करके देखा, बट न्यूट्रिशन में जैसे आया तो मैं वहां पे रुक गया। मतलब मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, और उस समय में मैंने इसके ऊपर काम करना चालू किया। और वही वजह रही कि क्योंकि इसमें हम आगे बढ़ पाए, और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आता है। अभी 12 साल से इसी फील्ड में हूँ, बट शुरुआत मैंने अलग तरीके से की थी। मतलब न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के बाद मैं प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के काम में लग गया। अलग अलग जो कंपनी जो सप्लीमेंट्स बनाती थी उनके ऑडियंस को ट्रेनिंग देना, अवेयर करना, वो लाइन में मैं ज्यादा आगे बढ़ गया। वहां से मैंने ज्यादा काम किया। यस सर। जैसे कि आपने बोला कि आप दोनों ही, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से इस फील्ड में आए, पर कई बार हमारी खुद की कोई ऐसी स्टोरी होती है या कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हम ज़्यादा रिजोनेट करते हैं, या ज़्यादा लगता है कि हमें इस फील्ड में क्यों करना है। तो क्या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ, या आपकी कोई ऐसी स्टोरी जिस वजह से आप इस फील्ड में आए? यस मैम, दोनों के अलग अलग स्टोरी है। पहले इनकी सुनते हैं, इनसे कनेक्टेड ही मेरी स्टोरी है। ओके। मतलब मेरी स्टोरी एक्चुअली जो मैंने ये मेरा खुद का जो अभी जैसे हेल्दी फाइव के साथ जुड़ने से कुछ ही महीने पहले मैंने जो इस मॉडल को जो चुना, जहाँ पे अभी हम क्लाइंट को डायरेक्टली न्यूट्रिशन ओरिएंटेड गाइड करते हैं, ना कि किसी कंपनी के थ्रू क्लाइंट को गाइड करते हैं। ये चुनने की वजह ये थी कि मैंने मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स होते हुए देखे, और लाइक कुछ भी वो प्रोडक्ट के अंदर वो उतनी क्वालिटीज नहीं है, या प्रोडक्ट को कुछ ज्यादा ही ओवर सेल किया जाता है, और उसके कुछ ज्यादा ही एग्जैगरेट करके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, और उसके एंगल से प्रोडक्ट को सेल किया जाता है एंड यूजर को। तो मुझे ये किधर से तो अंदर से लग रहा था कि ये गलत है, और ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और इसमें क्या होने लग गया, जब ये मल्टी लेवल टाइप में चला गया, स्कैम्स बहुत होने लग गए, जहाँ पे मेरे पास कुछ लोग आने लग गए, और वो बताते थे कि हमने 50,000 रुपये का सोना बेच के ये प्रोडक्ट लिया। कोई बोलता था मैं लोन निकाल के प्रोडक्ट लिया। मैंने बोला फिर इतना क्यों ना, तो वो बोल रही है मैं ऐसा रिजल्ट, और वो रिजल्ट वाज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज इट वाज नॉट बेस्ड ऑन साइंस। तो मैंने सोचा लोगों को अवेयर करने के इसमें लग जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, यानी लोग अगर अवेयर हो तो वो खुद से फिर डिसीजन ले पाए क्या सही है क्या गलत है। तो वो मेरा रीजन था इसको वापिस से, मतलब मैंने जिस तरीके से इस मॉडल को पूरा तरीके से चेंज करके काम करना शुरू किया, उसके पीछे ये रीजन था। हाँ, मेरा तो मतलब ये है कि ये 10-12 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो वो बताते कि ये चेंज करो न्यूट्रिशन में, घर में मुझे तो कुछ पता नहीं था उस टाइम। मतलब घर में ये चेंज करो, डाइट में ये चेंज करो, रूटीन में ये चेंज करो। तो मुझे कुछ उस दिन थोड़े दिन के लिए चेंज करती थी, फिर वहीं पे आके रुकता था। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, फिर बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो मतलब वजन अचानक से घट गया, पूरा वेट लॉस हो गया। तो इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिशन पे और रूटीन पे थोड़ा काम करना चालू किया। और इसके इनके पास लोग भी आते थे, तो उनको भी रिजल्ट आते थे। तो मैंने सोचा कि कर लेते। तो मैंने किया, 10 केजी वजन बढ़ गया मेरा।
तो अच्छा भी लगने लगा, एनर्जी भी बढ़ गई। तो इन्होंने बोला कि एक बार बेसिक न्यूट्रिशन कर ले तो फैमिली में थोड़ा सा इश्यू है वो सॉल्व कर देगी। तो मैंने बेसिक किया, मुझे मतलब मेरी बेटी को भी मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस था, बहुत सारी एलर्जी भी थी, तो मुझे पता नहीं था ना उसको क्या होता है, उसकी मतलब किस वजह से ये होता है। तो मैंने जब सीखा तो मैंने इम्प्लीमेंट चालू कर दिया, क्योंकि डॉक्टर हर एक महीने डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, उस पेट इतना दुखता था उसका, मतलब पता ही नहीं चलता था। तो न्यूट्रिशन में चेंज किया तो उसको हेल्थ में बदलाव आ गया, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया। बाद में मैंने पूरा बेसिक एडवांस सब कंप्लीट किया, फिर मैंने सोचा कि इनके पास जो लोग आते थे वो क्या बोलते थे, मतलब डाइटिशियन के पास क्यों नहीं जाना है। मैंने करियर की शुरुआत इस वजह से की कि डाइटिशियन के पास लोग जाते नहीं थे, इस वजह से कि डाइटिशियन वो हेल्दी मतलब टेस्टी वगैरह खाना नहीं देती, उबला हुआ खाना देती है, सब्जियां वगैरह देती है। तो मैंने सोचा, मुझे पहले से ही कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट था, मैं बहुत रेसिपी ट्राई करती थी, टेस्टी बनाती थी, मतलब मेरे घर में भी टेस्टी बना नहीं तो खाते नहीं है कुछ, इनका भी वैसा ही है, टेस्टी बना नहीं तो खाते नहीं। फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना न्यूट्रिशन के एंगल से थोड़ा टेस्टी भी बनाते हैं। लोगों का वहम क्या रहता है, हेल्दी है मतलब टेस्टी नहीं है, उसी मतलब मिथ्स को ब्रेक करने के लिए मैंने सोचा 100+ रेसिपी भी डिजाइन की, और इस फील्ड में फिर करियर के तौर पे दिखना चालू कर दिया। क्योंकि मुझे भी रिजल्ट आया था, बेटी को भी रिजल्ट आया था, तो मैंने सोचा इनका भी बीच में वजन कम कर दिया था थोड़ा सा, तो मतलब उसी की वजह से कर दिया था, तो सब में रिजल्ट आने लगे, लोगों को भी रिजल्ट आने लगे, तो मैंने इसके वो करियर के तौर पे करना चालू कर दिया। बढ़िया, ग्रेट, अच्छी स्टोरी दोनों की। और यस, सबकी अपनी स्टोरी होती है एंड वी आर लकी कि हम अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपनी इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते, सो वी आर सो लकी, ब्लेस्ड। सो एज ए कैरियर, आप दोनों ने अलग अलग स्टार्ट किया या साथ में स्टार्ट किया या कैसे हुआ? शॉर्ट में बताइए, कितने साल से एज ए कैरियर इसको बिल्ड कर रहे हैं? अपनी लर्निंग, सेल्फ हीलिंग के अलावा एज ए कैरियर कब से बिल्ड करना शुरू किया इसको? सर मैंने 3 साल से इस करियर को स्टार्ट की थी। बट एक्चुअली एक्चुअली नहीं, मैं तो इसमें और इसी में हूँ, बट मतलब मेरी आइडेंटिटी यही रही है एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन काम न्यूट्रिशनिस्ट ही काम कर रहा हूँ। बट मैंने जैसे आपको बताया, मैं थोड़ा प्रोडक्ट ट्रेनिंग या प्रोडक्ट के इसमें ज़्यादा था, बट इन 2023 इटसेल्फ इन मार्च आई डिसाइडेड टू प्रॉपरली अच्छा, मैंने इसको ये किया। एंड उससे पहले इसने थोड़ा सा एक हम कहते ना एक छोटे लेवल पे इसने अपने अपने कुछ क्लाइंट्स लेना, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं ना कि क्या कैसे काम कर रहा है, इज इट वर्किंग और नॉट, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सो शी स्टार्टेड इन 2022, आई थिंक मिड ऑफ 2022। बट जो ओके, प्रोफेशनली हमने इसको बड़ा किया वो आफ्टर वी एंटर्ड हेल्दीफाई। सो मतलब अरे वाह, हेल्दीफाई वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर और अस। सो मतलब वहां से ओके, थैंक इसको यू सो भी मच। मतलब वो जो क्लैरिटी आई ना कि इसको बड़ा किया जा सकता है, इसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है, वो मतलब इसी को पकड़ के रखना है या फोकस करना है इसके ऊपर, वो आफ्टर हेल्दी फाइव हुआ। ओके, थैंक ग्रेट यू। ग्रेट। तो जैसे आपने हेल्दी फायर ज्वाइन करने के बाद कई सारी चीजें आगे शुरू की, पर इससे पहले आप क्या क्या कर रहे थे बिफोर ज्वाइनिंग हेल्दी फायर? उस समय आपने कैसे वर्क किया, या अर्लियर किस तरह से वर्क कर रहे थे? मैम पहले तो हम वर्क कर रहे थे, लेकिन एक ही मतलब 4-5 क्लाइंट लेके कर रहे थे, क्योंकि बड़ी लेवल पे लेके जा ही नहीं सकते, क्योंकि पर्सनल कर रहे थे, कंसल्टिंग भी फ्री कर रहे थे, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे। मैम फ्री है कभी भी कॉल करो, सर फ्री है कभी भी कॉल करो, ऐसा हो जाता है। तो ये हिंदी पर ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा अलाइन में हो गया, थोड़ा सा चीजें अच्छे से सेट होने लगी, ये सब हुआ। मतलब हेल्दी भाई के पहले सब कुछ मतलब इसके ऊपर ही लोड आता था और एक प्रॉपर मतलब ऑर्गेनाइज वे में नहीं चल रहा था। सबसे पहला प्रॉब्लम हमें लगा कि हम बहुत कुछ दे रहे और हम उसकी प्राइसिंग सही से नहीं निकाल पा रहे थे लोगों से। तो ये मतलब ये चीज़ क्या को क्या प्राइस, क्योंकि ये सर्विस है, इसमें लाइक इसमें कोई प्राइस नहीं रहता है, इसमें आपको प्राइस टैग नहीं इसको होता। यस प्राइस यस टैग नहीं रहता है, तो इसको प्राइस टैग कैसे जस्टिफाई करे इस प्राइस को, वो भी नहीं आ रहा था। तो तो भी मतलब मेहनत बहुत कर रहे थे और शायद इनकम उस हिसाब से नहीं आ रही थी। हाँ रिजल्ट तो सामने भी आ रहे थे, वो तो दिक्कत नहीं है, बट लोगों को रिजल्ट आ रहे थे, हमें रिजल्ट नहीं आ रहे। नहीं। तो
हमें जो रिजल्ट चाहिए थे बिकॉज वी वर नॉट एबल टू जस्टिफाई द प्राइस, सो वो चीजें सही हो गई। फिर टीम का भी फॉर्मेशन हो, लाइक अभी हमारे पास एक टेली कॉलर है, दो हमारे टीम में सपोर्टिंग में है, जो क्लाइंट्स जो हम हैंडल कर रहे हैं, तो नाउ वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर वे आफ्टर हेल्दीफाई। बिफोर हेल्दीफाई मतलब वो ऐसा फोकस था ही नहीं। हाँ चल रहा है, करते हैं, हुआ नहीं हुआ, बाकी और आ ही रहे हैं पैसे, कई और से आ ही रहे, तो इतना इसको बड़ा करने का तो कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं था बिफोर हेल्दीफाई। मतलब वो अभी बड़े लेवल पे देखते हैं ना, वो देख नहीं पाते थे सही। माइंडसेट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू दैट वे। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। हमने भी मतलब जब शिनू ने भी शुरू किया तो पैशन में किया, बट हाँ धीरे धीरे अपनी वैल्यू समझ में आई, लेकिन खुद से सब कुछ सीखा, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में भी गए, पर्सनल डेवलपमेंट की भी ट्रेनिंग्स ली, एंड तब समझ में आया कि एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड में लोगों की पहली प्रायोरिटी हेल्थ ही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो सो वाई पीपल विल नॉट पे, अगर हम उनसे प्रॉपर रिजल्ट और सर्विसेज दे रहे हैं। एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड चेंजिंग बिकॉज ऑफ मेंटरशिप, बिकॉज ऑफ अवर ओन एफर्ट्स। सो अभी तक, अभी आपने इनकम की बात की कि पहले कर रहे थे इसे, अभी तक आफ्टर ज्वाइनिंग दिस हाउ मच इनकम यू हैव जनरेटेड? After joining Healthify, we have crossed, मतलब in this financial year, I think we joined Healthify after April, so it has crossed totally 10 lakhs, but after Healthify we can say precise 7.5 lakh के ऊपर after Healthify हुआ है। ग्रेट ग्रेट, Okay. तो आपको हेल्प कर रही है इसकी, Yes, या yes. Totally. Yes. आपने बताया अप्रैल से आप इसमें, तो क्या चेंजेस से, मतलब क्या ऐसे चेंजेस किए आपने, क्या चेंजेस से गॉन थ्रू हुए आप ड्यूरिंग दिस जर्नी विथ हेल्दी फाइव? सबसे पहले तो मैं अशिविन स्पीक क्या क्या है। हाँ, पहले तो वेबिनार मॉडल भी अच्छा, मतलब लेते थे वेबिनार, हर हफ्ते वीकली वेबिनार रहता था, तो क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए आपके आपसे डिस्कस भी हुआ, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए। मतलब प्राइस वहां पे ही बता देते थे वेबिनार में, उसमें हम कंसल्टिंग में गए, फिर वेबिनार लेते थे, बाद में जिसको इंटरेस्ट है उसको कंसल्टिंग में लेके आते थे, ये चेंज किया, फिर प्राइस भी चेंज किया, लेवल 1 लेवल 2 वो भी डिसाइड किया, प्राइस भी थोड़ा सा कम रहता था पहले, वो भी थोड़ा सा मतलब वैल्यू के हिसाब से थोड़ा इंक्रीज कर दिया, ये सब चेंजेस हुए हैं। हाँ मतलब एग्जैक्टली इतनी, थोड़ी अपनी स्ट्रेटेजी और मेथड्स बता सकते हैं कि किस तरह से आपके चेंजेस आए अपने बिजनेस में, किस तरह से चीजें हाँ मतलब चेंज की? पहले हमने क्या किया था, सारा एक कॉम्बो टाइप में, ज्यादा हम ये सोच रहे थे कि सामने वाले को कितना ये करके दे, मतलब प्राइस जितना कम करके दे सकते, हम प्राइस वॉर मैट के थे, तो हमें पता चला प्राइस से इम्पोर्टेंट है हेल्थ में रिजल्ट और सर्विसेज, तो हमने वो स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस किया और प्राइसिंग अलग अलग की, जैसे लेवल 1 करना, लेवल 2 करना, अभी हमने ऐसे लेवल 3 वगैरह कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट हाँ लेवल 1 लेवल 2 के हिसाब से तो हम दो दो प्राइसिंग तो अच्छे से कर पाए। अभी स्ट्रेटेजीज तो वो तो हमने जिस तरीके से डिजाइन की है उसमें थोड़ा कम्युनिटी मॉडल पे हमने काम करना शुरू किया, जो पहले नहीं करते थे, थोड़ा कम्युनिटी फॉर्मेशन सही से हो जिसमें ये कर सके लोग। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो सर ने करके दिया है, मतलब वो मुझे अभी भी याद है और वो बहुत जगह काम करता है, दैट इज 3C, क्लैरिटी, कार और कंसिस्टेंसी। मतलब ये वेबिनार का जो फॉर्मूला है कि ये इसको पकड़ के मैंने, मतलब अलग अलग कैटेगरी में मैंने ये यूज करके देखा है, बिकॉज मैं इसके साथ मेरा और दूसरा भी चालू ही है, लाइक ट्रेनिंग और ये सारी चीजें मैं करते ही रहता हूँ, तो उसमें भी मैंने ये फॉर्मूला हर जगह मतलब यूज करके देखा है। मुझे काफी मतलब बहुत अच्छे से इस एक चीज ने बहुत हेल्प किया, दैट इज ये 3C। बोलते ना एक ही चीज अगर आपको मिल जाए तो उससे आप कहीं कुछ भी खड़ा कर सकते हो, तो मेरे लिए वो 3C बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर हाँ वेबिनार अलग से ही डिजाइन हो गए, और बहुत ही मतलब सर ने जिस तरीके से, मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि वो जो वेबिनार वाला जो आपने सेशन लिया है, मैं उस रिकॉर्डिंग को ऐसा बॉस कर करके एक एक चीज मैंने उसमें डाली है, उसके बाद भी सर ने ऑडिट किया। मतलब हमें लगता है मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, मेंटोर से क्या होता है कि हमारा जो किसी भी जगह पहुंचना है ना, अगर मान के चलो हम खुद से करें तो शायद 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, या पहुंचे भी नहीं पता नहीं, बट वो ड्यूरेशन कम हो जाता है आफ्टर वी हैव मेंटोर, बट सुनना पड़ता है, मिलना पड़ता है बार बार, ये मैं बोलूंगा। सो वो हुआ है, लाइक उसके बाद भी सर ने करेक्शन बताया, लाइक हमने जब वो प्राइजिंग का लास्ट में वो वेबिनार में एक ही पेज पे लाया था कि ट्रैवल बुक और सॉरी ट्रैवल गाइड या वर्कआउट बुक या बहुत सारी चीजें, हमने एफर्मेशंस बुक,
सर ने बोला इसको भी अलग अलग करो कि वो एफर्मेशन में किसको रिजल्ट आया उसका बताओ, फिर ट्रैवल गाइड से किसको रिजल्ट आया, सो ताकि वो जो वैल्यू और सामने वाले को, क्योंकि सारा खेल ऑनलाइन है और ऑनलाइन बिजनेस करना मतलब जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, उतना टफ भी है, इसके अपने अलग चैलेंज है। सबसे बड़ा चीज है ट्रस्ट, तो कैसे वो ट्रस्ट हम गेन कर पाए उसकी जो बारीकियां हैं वो संजीव सर ने काफी अच्छे से कवर करके दिए, सो वो बहुत बड़ा मेरे लिए हेल्पफुल रहा। थैंक यू। तो आपका मॉडल मुझे समझ में आ रहा है कि वेबिनार्स करते हुए आप, है ना? यस यस तो ऑडियंस के लिए, जो लोग हमारी कम्युनिटी के लिए, उनके लिए बताइए कितने वेबिनार्स करते हैं आप, मंथली या वीकली बेसिस पे कर रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फोकस मतलब मिनिमम 1 वेबिनार या 2 वेबिनार इन अ मंथ, बट इन अ प्रॉपर वे कि उसमें आउटपुट ही आना चाहिए। और आई डोंट ओनली डिपेंड ऑन वेबिनार, बट इट इज मतलब मेरा फॉल्ट भी है ये कि मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे कुछ और भी अलग अलग प्रायोरिटीज सेट है, तो शायद मैं उतना टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। हाँ, बट अभी मैं सिर्फ वेबिनार पे ना रखते हुए मैंने और भी कुछ तरीके यूज किए जहाँ पर मैं लोकल जाके भी ऑफलाइन भी सेमिनार करता हूँ, इसके वहां से भी मैं क्लाइंट को ले पाता हूँ। सो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऑनलाइन पे ही हूँ, बट वो मुझे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कॉम्बो में रिजल्ट आए हैं, बट रेशियो अगर बताऊँ तो इट इज 30-70, 30% हमें ऑफलाइन से एक्वायर करने को मिला है एंड 70% हमें ऑनलाइन से मिला है। सो दोनों करता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरीका यूज करता हूँ, बिकॉज लोकली भी जितने लोग हैं उनको भी गैदर करके उनको भी एक अवेयरनेस अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस रहता है। और मैं ज्यादा मॉडल जो यूज करता हूँ दैट इज 1-to-many, जैसे आपको पता है मैं कुछ अलग अलग हाँ प्रोग्राम्स डिजाइन करता हूँ, और 1-to-many में मैं ज्यादा लोगों को इन्वाइट करता हूँ। आई मेक श्योर कि कुछ मैं ऐसे भी प्रोग्राम डिजाइन करता हूँ जिसमें वो खुद से डाइट सीख ले और खुद से कर ले, तो उसमें से जिसको भी मेरे पर्सनल जरूरत है तो वो आ जाओ, तो इस ओके तरीके से तो भी मैं कुछ चीजों पे काम करता हूँ। तो ये आपका भी मेरे फोकस बेसिकली अवेयरनेस और लोगों को एजुकेट करने में, या है। तो उनको आ जाएंगे, बट जिनको सपोर्ट और एडिशनल चाहिए तो वो हाँ भी आप के कस्टमर बनते हैं। ब्रिलियंट आइडिया। तो आप हाइब्रिड मॉडल में चल रहे हो, एंड मैंने हाइब्रिड देखा आप स्टेज वगैरह पे बहुत कॉन्फिडेंटली, आपके यूट्यूब में देखा था स्टेज, यू ऑल्सो होल्ड दिस स्टेज, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या आपको यहाँ, मतलब टेक्नोलॉजी सीखने में या काम करने में कोई दिक्कत आई या आप आराम से कर गए, कैसे किया टेक्नोलॉजी? क्योंकि जब हम लोग कम्युनिटी में देख रहे हैं कि बहुत सारे डाइटिशियन तो उनको कभी सीखा नहीं, तो दे फील लाइक क्रिपल्ड टाइप का फील करते हैं कि टेक्नोलॉजी हम कैसे डील करेंगे, जूम कैसे करें, यू नो यूट्यूब कैसे जाएं, वो सब, वो आपने कैसे डील किया वो सब? यस सर, टेक्नोलॉजी वाइज मैं थोड़ा सा वीक वीक हूँ, सोशल मीडिया है, बाकी सब चीजें यही हैंडल करते हैं, लेकिन जूम वगैरह, यूट्यूब वगैरह, इंस्टा, फेसबुक वगैरह, ये बेसिक वगैरह आता है मुझे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाना चाहते तो इनकी मदद लेनी पड़ती है, मतलब यही करते हैं सब थोड़ा सा। ओके, यस बढ़िया। अभी मेरी बात करूँ तो बिफोर हेल्दीफाई ऑल्सो आई वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मेरा यूट्यूब चैनल मोनिटाइज भी हो चुका है, आई हैव 2950 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब, सो नंबर भी अच्छा है। मेरा खुद का मैंने ऐप भी लॉन्च किया था, इट वॉज ओके बाई क्लास प्लस। मेरा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑलरेडी से मैंने मेरे ट्रेनिंग पर्पज के लिए खोल के रखा है। सो मेरा मतलब 2-3 डोमेन भी मैंने बुक करके रखे, मतलब कुछ यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें मुझे पहले से पता थी, बट हो क्या रहा था, आई वॉज नॉट यूजिंग इट इन प्रॉपर वे। मैं अभी भी कहूंगा आई एम नॉट यूजिंग इट इन प्रॉपर वे। इवन कल परसों मेरे ख्याल से हमारा लैंडिंग पेजेस का सेशन जो हुआ, सो मेरा खुद का इतना बढ़िया लैंडिंग पेजेस का प्लेटफॉर्म है, बट आई एम नॉट यूजिंग इट। सो मैं अभी भी कुछ बिल्कुल जगह लैग करता हूँ, बट वही होता है ना कि जब आपके पास मेंटोर हो, आपके पास गाइडेंस हो, तो एटलीस्ट हम क्या करना चाहिए वो पता होता है, बट वो चीजें हम अभी भी लैग कर रहे हैं। कहीं 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 हमने करके रखा है, लाइक कैनवा में बहुत यूज करता हूँ, चैट जीपीटी बहुत यूज करता हूँ, उसके बाद टेक्नोलॉजी में जूम तो अभी क्या मतलब वो कुछ इतना मुश्किल रहा ही नहीं रहा। अभी मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया को और थोड़ा ये करना चालू किया, लाइक आई अटेंडेड दिस ईयर फ्यूचर वर्ल्ड का भी मैंने एक इवेंट अटेंड किया था, तो वहां से मैंने थोड़ा रील्स पे थोड़ा मतलब उस पर फोकस किया है। मैंने एक 70-day challenge भी चालू किया है जिसमें मैंने मेरा वेट पुट ऑन किया और मैं उसको ऑन कैमरा कम करके दिखा रहा हूँ, जिसमें मुझे अभी 1 महीने में 30 days में सक्सेस भी आया, 4 kg कम भी गया है मैंने ऑन कैमरा ही।
और चल रहे, मतलब उसके साथ मैंने एक लॉन्ग कंटेंट भी 5-5 मिनट्स का बनाना चालू किया, उसकी भी 10 वीडियो आई है। और मैंने टारगेट किया, जैसे आपने बोला कि जिस अवेयरनेस ज्यादा करो, जिसको पर्सनल सपोर्ट चाहिए वो आएगा, तो मैं उस मैं मेरे वेबिनार में बोलता हूँ, जिसको फ्री में सीखना है जाओ, मैंने वहां पे सब कुछ डाइट भी दिखाया है, एजुकेशन भी दिया है, फ्री में सीखो। हाँ पर्सनल चाहिए तो पर्सनल में, अगर मेरा टाइम आपको दे रहा हूँ तो उसके पैसे मैं लगाऊंगा, तो उस हिसाब से हम डील कर रहे हैं। वाह, आप लोगों की स्टोरी जर्नी सब सुन के बहुत अच्छा लगा। आप दोनों से मैं चाहूंगी कि अलग अलग अभी तक के आपके टॉप 3 लर्निंग्स क्या हैं जब से आपने हेल्दी फाई कम्युनिटी को ज्वाइन किया है। मेरी पूछो तो मतलब मेरी तो इतना मतलब बहुत सारे लैक कर रही थी, लेकिन हेल्दी पर ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा मतलब बहुत कुछ सीखा है मैंने। पहले तो ये फाउंडेशन फाउंडेशन बिल्डिंग अच्छे से नहीं थी, वो सीखा हमने। सिस्टम मतलब ये अभी दो कोचेस है हमारे पास, एक टेलीकॉलर है, ये नहीं थी पहले। आफ्टर हेल्दी पर ज्वाइनिंग वी आर वर्किंग ऑन इट, तो वही वो भी सीखा हमने। कंसल्टिंग, ये हमने बताया ना वेबिनार के बाद में थोड़ा कंसल्टिंग लेना चाहिए, किसको क्या चाहिए वो उसके बाद उसके साथ बात करने से होगा, ये पल्लवी मैम से सीखा हमने। उसके बाद हमने ये चालू कर दिया ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के ऊपर हम अभी भी वर्क कर रहे हैं थोड़ा सा, वो भी चल रहा है अभी। लेकिन मतलब बहुत सारी चीजें सीखी, पहले तो पल्लवी मैम से मैंने बहुत सारा सीखा। उनका कॉन्फिडेंस जो है वो मतलब उनके सेशन से सुनने के बाद ही आता है, तो मुझे तो उनके लाइव सेशन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं मिस नहीं करती हूँ। तो वो पहले सीखा है हमने, बहुत सारी चीजें सीखी। मतलब पहले तो सिल्वर में थी, बाद में मैंने डायमंड ज्वाइन किया क्योंकि आपके हैंड होल्डिंग ज्यादा चाहिए थे हमको, क्योंकि मुझे 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 कहा तो लगा कि जो मुझे चाहिए, जो नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे मिलेगा, तो मैंने डायमंड जब ज्वाइन किया बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ऐप पे भी बहुत सारी मतलब सुनू मैम की भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, वो भी सुनती रहती हूँ। वो सब सीख के मुझे मतलब बहुत सारे फायदा हुआ है इसका। और मेरे लिए बताओ तो, मैंने इफेक्टिव वेबिनार की पीपीटी यही से बनाई, इसके पहले ऐसे पीपीटी बनाना चाहिए ये आइडिया ही नहीं था, और दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। मतलब मैंने बनाया एक मॉडल यहाँ पे, लेकिन मैं जहाँ पे और भी अलग अलग ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैंने उसी फॉर्मूले को वहाँ यूज करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए। और कम्युनिटी बिल्डिंग पे मैंने फोकस किया है, वो भी मैं बिकॉज ऑफ हेल्दी फाई, दैट इज माई टॉप लर्निंग। और तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का जो ये फॉर्मूला है, वो भी मतलब मेरे टॉप 3 लर्निंग में आता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो हम उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे और शायद हम उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। बाकी तो बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहता हूँ, मैं ज्यादा लाइव सेशंस नहीं अटेंड कर पाता हूँ, लेकिन अभी मैंने फाइनल किया, मैंने वेनसडे, अभी मैंने ऑफिस जो खोला है वहां पे मैंने बोल के रखा है वेनसडे मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वेनसडे डायमंड काउंसिल रहता है, तो मैं हर वेनसडे का मैं क्लास अभी अटेंड करूंगा। और जो भी मेरा, इवन इसको भी मैंने बोला, मेरे को जो वो लाइव रिकॉर्डिंग का एक्सेस है वो दे, बोलो सॉरी, ऑफलाइन सेशन जितने मतलब सेशंस के रिकॉर्डिंग है वो मुझे सुनने हैं वापस से, बिकॉज मुझे ये समझ में आ रहा है कोई भी बंदा अगर हेल्थ में आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो सही से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करे, तो वो सच में इसमें मतलब ही विल नॉट डू रॉन्ग, मतलब वो गलती बहुत सारी वो रोकेगा और लोगों के साथ भी गलत नहीं करेगा। बहुत बार क्या होता है, हमारी इच्छा नहीं रहती है, हमें लोगों के साथ कुछ गलत चीजें करनी पड़ती है, लाइक मैं देखता हूँ लोगों को वो बहुत सारे गलत काम करते हैं, बट मैं बाद में देखता हूँ कि उसकी जगह पे शायद उसकी मजबूरी हो जाती है वो गलत काम करना, क्योंकि उसे सही गाइडेंस नहीं मिला किसी का, तो वो ना हो तो डेफिनेटली ये जो भी सिखाया है मेंटोर्स ने, या जो भी पल्लवी मैम के सेशन से, फिरदौस मैम के सेशन से, शिनू मैम के सेशन से, संजीव सर के सेशन से, इनको अगर अच्छे से सुने तो मेरे ख्याल से वो गलतियां होने से पहले आपको, क्योंकि वो सारी चीजें सेशंस में ही बोली गई है जब हम सुनते हैं। और मैं ये भी कहूंगा, जैसे कि आपने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा है, मस्ट अप्रिशिएट कि वो मॉर्निंग के सेशंस भी होते हैं, एंगेजमेंट जिस तरीके से हेल्दी फाई रखता है ना, वो बहुत ही बड़ी चीज है। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हम बाहर कहीं जा रहे हैं, मतलब वो पूरा एंगेज करके रखा है, वर्कआउट के सेशंस और सारी एक एनर्जी अलग है, मतलब ये इट इज समथिंग, वी आर इन अनदर वर्ल्ड। यस सो सर, यस सो मुझे नाउ मतलब इट इज पार्ट मॉर्निंग, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हेल्दी फाइव इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यस सर, यस सर, ये मॉर्निंग सेशन कभी मिस हुआ तो तब लगता है आज मतलब जब मॉर्निंग सेशन अटेंड करती हूँ तो तब उस दिन ना पैसे ऑटोमेटिक आ जाते हैं अकाउंट में ऐसा लगता है। और ये पिछले सेशन तो है ही, मतलब हम हमारे ऊपर ज्यादा नहीं देते थे लेकिन क्लाइंट के ऊपर देते हैं अभी, तो उसके लिए फिटनेस सेशन भी हो गया।
इस कम्युनिटी में आके ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब बाकी भी लोग हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच। और अब LX इन 2023, 2024, व्हाट इज योर गोल? व्हाट आर यू लुकिंग एट योर नंबर्स, योर इनकम, योर रीच? क्या गोल्स सेट किए आपने? एक्चुअली मेरे तो मतलब मैंने बोला जैसे कि साथ ही साथ कुछ और प्रायोरिटीज भी है, बट फॉर दिस हेल्दी फाय आई हैव डिसाइडेड, मतलब सॉरी फॉर विथ हेल्दी फाय जो हम अभी इस हीलिंग ह्यूमन को लेके चल रहे, मैंने जिस फॉर्म इस फॉर्म का नाम हीलिंग ह्यूमन रखा है, तो इसके थ्रू हो क्या रहा है, शी इज ग्रोइंग विथ माई सपोर्ट। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सपोर्ट के बगैर भी कुछ इसमें करे, इंडिपेंडेंट और दैट इज द पर्पज मैंने इसको यहाँ पे डाला। मुझे पता था मैं तो कर ही लूंगा, उसमें मुझे डाउट ही नहीं था। हाँ, बट आपके आने की वजह से स्पीड बहुत बढ़ गया और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया इसलिए नहीं तो मैंने तो इसमें इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया था, बट ये आप आए तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। लेकिन अभी मुझे मैं चाहता हूँ कि ये इसके लेवल पे अभी जो भी नंबर्स हमने ये साल किए इसको मेंटेन करते हुए इसमें एटलीस्ट शी शुड डबल दिस, यस शी हैव टू एटलीस्ट मिनिमम इसको डबल करना है जो भी हमने पिछले साल किया, बिकॉज हमारे पास अभी सिस्टम्स है, आपका सपोर्ट है, आपका गाइडेंस है, तो ये हमें लगता है कि ये डबल होना बहुत इजी है अभी विथ योर सपोर्ट, विथ यस सर, योर गाइडेंस। हाँ पक्का, वी आर कमिटेड टू डू दैट। एंड हाँ सो थैंक यू सो मच, एंड वन वर्ड फॉर फुल टीम ऑफ हेल्दी फाई। थैंक कमिटेड। यू। नहीं, तुम्हें कुछ कहना शिलू? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो थैंक यू वंस अगेन, आप बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बने हो। लोगों को पता नहीं था कि शीतल एंड प्रमोद इतना अच्छा कर रहे हैं, एंड जब वो हुआ तो पीपल आर एक्चुअली इंस्पायर्ड कि अच्छा पॉसिबल है, बिकॉज पीपल आर न्यू, सम आर ओल्ड, बट यू नो टू ब्रेक थ्रू लाने के लिए यू हैव टू एक्ट। सो ऑल द क्रेडिट ऑफ योर सक्सेस गोज टू यू बोथ। जस्ट कीप डूइंग दिस, रिपीटिंग दिस, एंड इम्पैक्ट मोर एंड मोर पीपल इन द यस वर्ल्ड। एग्जैक्टली, बट क्रेडिट आई कैन से आई कैन, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि टोटल क्रेडिट इज ऑफ अस, इट इज ऑलवेज विद, मतलब गुरु नहीं मिले तो वो, मतलब मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ, और मैंने तो मेरे लाइफ में ऐसे मतलब कुछ ऐसे लोगों से इंस्पायर हो, सिलेक्टेड ही लोग हैं जिसमें आपको एंड एज अ कपल आप जो कर रहे हो वो भी बहुत बड़ी चीज है। इवन मतलब मैं देखता हूँ जो स्पीड है सपोर्ट का वो भी बहुत फास्ट है, लाइक हमारे पास कोई केस आती है और हम वहाँ अटक जाते हैं तो वो भी शिनो मैम इतने इजीली बहुत फास्ट सपोर्ट करती है। मनी माइंडसेट के लिए आप हो, फिटनेस के लिए ये है, सिस्टम्स के लिए पल्लवी मैम है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं तो मतलब इमेजिन नहीं कर पाती कि आपके बिना मतलब क्या हो सकता। डेफिनेटली ये हुआ है हमारे साथ। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर थैंक यू इनवाइटिंग अस सो सो मच। मच, मतलब हम इसके लिए वापस एक गौर बार शुक्रिया करते कि गौर आपने हमें इनवाइट किया, एंड अगर हमारी स्टोरी से सच में लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है तो हम यही कहेंगे ये स्टोरी होने के पीछे हेल्दी फाई का टीम का बहुत बड़ा सपोर्ट है। शायद ये होने में शायद 3 साल लग जाते हैं, या पता नहीं हम इस सेक्टर में, क्योंकि लोग डाइवर्ट कर जाते हैं, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे लोग शिफ्ट हो जाते हैं, स्विच हो जाते हैं। हमें रिजल्ट से ज्यादा मुझे ये लगा कि हमें रिजल्ट आ रहे थे बट हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो पैसे तो कोई भी कमा लेते हैं बट वो टाइम कमाना बहुत जरूरी है, एंड टाइम वी कैन अर्न विद अ सिस्टम, सो दैट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेल्दी फाई टू अस। इसके वजह से हम पैसे भी कमा रहे हैं और हमें अच्छा टाइम भी मिल रहा है सारी चीजें मैनेज करने के लिए। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आगे वाला पोर्शन रिकॉर्ड